हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसा होता है और शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और प्रेगनेंसी होती है वो किस दिन से शुरू होती है, किस दिन से शुरुआत होती है प्रेगनेंसी की। तो इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पीरियड का जो पहला दिन होता है हम उसी से प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। जो आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है जिसे LMP कहते हैं, उसी से हम EDD भी निकालते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है। तो जिस दिन आपका पीरियड आया है उसी दिन से हम प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। तो जब आपको पीरियड आता है, पीरियड के 14वें दिन आपका ओवुलेशन होता है, अंडा बनता है, और अंडा निकल के आपका फैलोपियन ट्यूब में आता है। उस समय अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर उस अंडे से मिल जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, तो वहीं से फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो जो फर्टिलाइज एग होता है, अंडा होता है, वो वापस बच्चेदानी में आ जाता है। उसको लगभग 5 या 6 दिन लगते हैं वापस बच्चेदानी में आने में। तो बच्चेदानी में आके वो बच्चेदानी की दीवार से चिपक जाता है, तो वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो शुरुआत के जो 4 हफ्ते होते हैं उसमें बेबी बहुत छोटा होता है और ह्यूमन बेबी जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और उस समय बच्चे का जो हार्ट होता है वो हार्ट की ट्यूब जैसी बन जाती है और धड़कन शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है अमेनोरिया, जिसे हम कहते हैं पीरियड का ना आना, ये इसमें मुख्य लक्षण होता है। और इसमें SCG हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और आपको कई बार थकान या चक्कर जैसा भी महसूस होने लगता है और कमजोरी सी महसूस होने लगती है, और मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है जिसे हम कहते हैं सुबह की उल्टी। सुबह सुबह आपको उल्टी के जैसा मन करता है, कई बार उल्टी हो भी जाती है, या फिर सिर्फ जी मचलाने जैसा ही लगता है। और उसके बाद होता है आपके स्तन में भारीपन सा महसूस होने लगता है, और आपका जो टेस्ट होता है वो उसमें भी बदलाव हो जाता है, कि जो चीज़ आपको पहले तो पसंद थी लेकिन फिर आपको उस चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में बदलती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको उस समय क्या नहीं करना है। तो आपको उस समय एक्सरे नहीं कराना है, क्योंकि एक्सरे से बेबी को नुकसान होता है। उसके बाद आपको यात्रा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप अपनी गाड़ी से, या 2 पहिए हो या 4 पहिए, उसको बहुत ही धीमी स्पीड में लेके जा सकते हैं, और आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, जैसे 1 महीने बाद आप टेस्ट करेंगे, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको तुरंत ही आपको फॉलिक एसिड और विटामिन्स स्टार्ट कर देना चाहिए।